ओके बच्चों, हम लोग कुछ PYQ का ना क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शन पे, ठीक है ना। जो कि इंक्लाइंड वाला नहीं है, अभी इंक्लाइंड वाला अलग से करवाएंगे, ठीक है। देखिए एक सवाल पूछा है कि बच्चों 2018 में कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब ये ऐसी बकवास सवाल ही है, लो बता दे रहा हूँ। कह रहा है पहला स्टेटमेंट है आपको इनकरेक्ट चुनना है, चूज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ना कि फ्रिक्शन जो है क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ये तो सही है। चौथा कह रहा है कि जो म्यू होता था ना, म्यू एस या म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कह रहा है कि हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये तो गलत है ना। हम लोग पढ़े हैं ना कि जो म्यू होता है, म्यू वो क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना। यही सवाल था, छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए जी बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि दो को ब्लॉक है M1 M2, यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के। पूछ रहा है कि ये जो धागा है, धागा में जो टेंशन है और टेंशन कितना होगा, सारा कुछ पुली और धागा मासलेस फ्रिक्शनलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। और ये कह रहा है कि ये जो है ना इस तरफ स्लाइड कर भी रहा है, ये दिया हुआ सवाल में, ठीक है। तो मैं पहले ये चीज आपको शॉर्टकट से बताता हूँ, फिर लॉन्ग कट से भी बता दूंगा। देखो इस पर एक फोर्स लगेगा क्या, M2G, जो इसको चलाना चाहेगा, और इससे जुड़ा हुआ ये ब्लॉक है तो इसको भी चलाना चाहेगा। तो पूरे सिस्टम को ब्लॉक दिस प्लस दिस को चलाना कौन चाहता है ये, बट इसको रोकना कौन चाहता होगा। यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना, जो कि कितना हो जाएगा म्यू के एन, एन बराबर क्या हो जाएगा M1G, ऊपर लगेगा ना नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा MG लगेगा। तो N बराबर क्या है, MG है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा न्यू के M1G। तो ये चलवाना चाहता है, ये रोकना चाहता है। तो मैं आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन के लिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय टोटल मास, बाई टोटल मास। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें से ये वाला फ्रिक्शन घटा दीजिए, ये आ जाएगा M2G - μK इंटू M1G / M1 + M2, ये हो गया इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ जाएगा और ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको टेंशन निकालना है, आप इससे भी निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे को ये सही लग रहा है तो मैं इससे निकाल देता हूँ। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है ना, ये नीचे खींचे जा रहा है ना इसको, तो आप लिखिएगा M2G - T = M2A। यहाँ से T बराबर दिख रहा है ना, T बराबर हो जाएगा M2G - M2A,
एम टू कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, जी माइनस ए। अब ये आपका ए का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, ये आ जाएगा जी माइनस, यहाँ से देखना यह है एम टू जी माइनस म्यू के इंटू एम वन जी बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लो, ये दोनों यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस एम टू जी प्लस म्यू के एम वन जी बाई एम वन प्लस एम टू। एम टू जी से एम टू जी गया कट। ठीक है, अभी आपको क्या दिख रहा है, एम वन जी, एम वन जी कॉमन है दोनों में से, ले लो कॉमन, तो टी इक्वल टू आ जा रहा है एम टू इंटू एम वन इंटू जी, अब बच जाएगा कितना, वन प्लस म्यू के, वन प्लस म्यू के बाई एम वन प्लस एम टू। हो गया ये बच्चों, आ गया इसका टेंशन का फार्मूला, फार्मूला नहीं एक्चुअली रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो छाप लो आप लोग। मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट चाहे तो डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे सोचो स्पेशल केसेस, मान लो अगर म्यू के जीरो रहता, म्यू के रहता जीरो, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू, ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं एनएलएम में, बिना फ्रिक्शन वाला, तो बिना फ्रिक्शन के आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू, और टेंशन आ जाएगा यहाँ से म्यू के जीरो कर दो तो एम वन इंटू एम टू इंटू जी बाई एम वन प्लस एम टू। ये ऑलरेडी आपको एनएलएम में पढ़ाए थे, फ्री बॉडी डायग्राम ओनली में। चलो अब एक चीज और बताता हूँ, मान लो यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है कि एम टू जी और म्यू के एम वन जी में कौन बड़ा है, ठीक, लेकिन आंसर जिस प्रकार से दिया हुआ था ना, वो यही माना हुआ था कि यही ज्यादा है और ये कम है, तबे ना हम लिखे हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या मान के निकाला गया है, ये मान के निकाला गया है कि एम टू जी का जो वेट है वो इस वाले फ्रिक्शन से अधिक है। ठीक, सोचो अगर एम टू जी इसके बराबर रहता तो क्या आ जाता, तो भाई एक्सेलरेशन क्या आ जाता, जीरो आ जाता, एक्सेलरेशन आता ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो चलता कोई तो कैसे चलता, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, तब टेंशन क्या आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, सीधे टी बराबर वेट और कुछ नहीं, टी बराबर आ जाता एम टू जी। और यहां से अगर देखते तो भी कह सकते थे ये दोनों क्या आ जाता, इक्वल आ जाता, ये दोनों इक्वल आ जाता तो टी बराबर कितना आ जाता, म्यू के एम वन जी भी आ जाता। ठीक है, मान लो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन दिया रहता, ठीक है, और अगर एम टू जी इसके बराबर होता, म्यू एस एम वन जी के बराबर अगर होता, तो याद है ना जब लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो बॉडी क्या होता है, ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, चलने के कगार पे, मतलब चल भी सकता और नहीं भी चल सकता है, तो इट क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट मूव, चल भी सकता नहीं भी चल सकता है। मान लो अगर ये वाला फोर्स यहां पर के लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता, कम रहता, तब तो डेफिनेटली चलवे नहीं करता, डू नॉट मूव। ऐसा सवाल नीट वाला पूछा है, देखो अभी आगे आएगा जरूर, एक बार फिर से देख लो, इसका वेट यहां पे इमेजिन करो कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर होता, ठीक है ना, तो इससे अगर कम रहता इसका वेट तो चलवे नहीं करता,
अगर ये इस वाले के जस्ट बराबर होता तो हो सकता है चले या ना चले, लेकिन जब भी चलता तो एक्सेलरेशन कितना लेके चलता, जीरो। तीसरा केस मान लो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये वेट के बराबर है तो कैसे चलेगा, जीरो एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। और अगर ये इससे ज्यादा है तो यही सवाल में हम लोग बनाए हैं कि ये वाला वेट इसके फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेट भी करेगा और टेंशन भी आएगा, ठीक है ना। तो एक कुछ स्पेशल केस जो हम डिस्कस कर दिए, म्यू जीरो करोगे तो वो ऑलरेडी एनएलएम में पढ़े हुए हो, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और, अभी हम प्रॉमिस किए थे ना आप लोग से कि इसी सवाल को दोबारा हम लॉन्ग टाइप से भी बना सकते हैं, तो इसी सवाल को दोबारा बनाते हैं, लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। इसको नोट कर लो पहले, फिर हम बताते हैं लॉन्ग मेथड से इसी सवाल को दोबारा। इसी को देखो अल्टरनेटिव मेथड से अगर बनाते तो ध्यान से देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, ये कहता है कि नीचे की तरफ जाएगा तो एम टू जी माइनस टी इक्वल क्या लिखोगे, एम टू ए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि टेंशन खींचेगा फ्रिक्शन रोकेगा, तो टी माइनस म्यू के एम वन जी बराबर एम वन ए, अब दोनों को जोड़ दो तो टी से टी कट गया, तो ये एम टू है माइनस है म्यू के इंटू एम वन इंटू जी, जी कॉमन ले लिए, इक्वल टू हो गया एम वन प्लस एम टू इंटू ए। अब ए बराबर देखिए, यहां से आपका ए बराबर आ गया एम टू माइनस म्यू के इंटू एम वन इंटू जी बाई एम वन प्लस एम टू। आप देखो शॉर्टकट मेथड से भी यही निकाले थे हम, देख लो है ना, एम टू जी माइनस म्यू के इंटू एम वन इंटू जी, है ना, सेम टू सेम जी। यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर ले आओगे, ले आ सकते हैं ना, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, देखो यही आंसर है, ठीक है। और अगर आपको टेंशन निकालने का मन है तो आप या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो। यहाँ पर हम क्या किए हैं, सेकंड वाले का इक्वेशन पुट करके निकाले हैं, वन वाले में भी पुट करके निकाला जा सकता है, वो भी हम दिखा देते हैं। देखो वन वाले का इक्वेशन क्या था, ये था टी माइनस म्यू के एम वन जी बराबर एम वन ए, तो टी बराबर इसको इधर भेज दो हो जाएगा म्यू के एम वन जी प्लस एम वन ए, ठीक है। यह हो गया म्यू के एम वन जी प्लस एम वन इंटू ए का ये वैल्यू है पूरा, हालांकि आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, ये वाला सस्ता था, खैर कर लो। देखो ये आपका है एम टू जी माइनस म्यू के एम वन जी बाई एम वन प्लस एम टू। अब सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा इसको इससे गुना करो क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एम वन स्क्वायर इंटू जी, फिर इसको इससे गुना करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा म्यू के इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू जी, फिर इसको इससे गुना करो आ जाएगा एम वन इंटू एम टू इंटू जी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा म्यू के इंटू एम वन स्क्वायर इंटू जी। अब देखो ये वाला इस वाले से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और क्या, ठीक है। अब इन दोनों में से एम वन एम टू और जी कॉमन है, एम वन एम टू और जी है कॉमन, तो ये आ गया वन प्लस म्यू के बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। इस एक सवाल में मैंने बहुत सारा कंसेप्ट बता दिया है, ठीक से लिख के बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। चलो छाप लो, फिर आगे का कहानी बताते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल 2014 का है,
डायग्राम देखिए, दिया हुआ तीन को ब्लॉक है, ठीक है ना। ये है एम वन, ये है एम टू और ये है एम थ्री, ठीक है। और बाकी तो आपको दिख ही रहा है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है म्यू, यहाँ पर भी है म्यू, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे म्यू म्यू है, ठीक है। और कह रहा है कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि एक्सेलरेटेड है ये लोग, साफ साफ मेंशन है कि लोग क्या है एक्सेलरेट कर रहा है, तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास तो शॉर्टकट है ए बराबर क्या पढ़ाए थे, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स, अब वाई क्या पढ़ाए हैं हम, टोटल मास, यही ना पढ़ाए हैं। तो देखो ये गिवन है सवाल में कि तीनों का जो मास है ना वही एम के बराबर, ये गिवन है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखो इसका जो वेट होगा वही नीचे भगाना चाहता होगा सिस्टम को, लेकिन सोचो जब इधर भागेगा ना, मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, जब ये भागेगा इधर तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। आई भी जब भागेगा पीछे मतलब आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पर, पीछे लगेगा ना, एफ के वन और एफ के टू, यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ दोनों होगा सेम, होगा दोनों सेम, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको एफ के टू मान लो, इसको एफ के थ्री मान लो, क्योंकि मास सेम है फ्रिक्शन सेम है, तो एफ के टू और चाहे एफ के थ्री दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों ब्लॉक का एफ बी डी ऐसे होगा ना, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा एम जी, ठीक है, एम बराबर एम जी प्लस सी बराबर होगा दोनों में, ठीक है। तो देखो चलाना कौन चाहता है, इसका वेट, और रोकना कौन चाहता है, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, ये दोनों रोकना चाहेगा, तो क्या करेंगे, माइनस टू म्यू एम जी बाई टोटल मास थ्री एम, बस आ गया आंसर, एम एम काट दो यहाँ से, आ गया वन माइनस टू म्यू इंटू जी बाई थ्री, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट, ठीक है, जो कि इस्तेमाल तुम लोग यही करना। बाकी लॉन्ग कट अगर देखना है तो देखो हम बता देते हैं लॉन्ग कट, लॉन्ग कट में सब का सेपरेट सेपरेट एफबीडी लिखना पड़ेगा हमको। देखो अगर हम बात करते हैं एम वन का, तो नीचे क्या लगेगा एम वन जी, ऊपर क्या लग रहा होगा टी, इक्वेशन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है ना, एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ये इसका हो गया। M2 वाले का देखो इस पे मान लो ये टेंशन क्या है T, इसमें भी कुछ टेंशन होगा कुछ अलग होगा, इसको T डैश मान ले रहे हैं, T डैश ध्यान देना, M2 को इधर खींचा जा रहा है कितना टेंशन से T, अब पीछे भी खींचा जा रहा होगा कितना टेंशन से T डैश, साथ ही साथ इस पे पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा एम जी, क्योंकि सारे मासेस सेम है, फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा म्यू एम जी, म्यू के एम जी, ठीक है। ऐसे सोचो एम थ्री का, एम थ्री इसका भी मास सेम ही है, तो ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे एम जी, इसको इस तरफ खींचा जा रहा होगा किससे टी डैश से, इसको पीछे फोर्स लगाया जा रहा फ्रिक्शन की वजह से एफ K2
के थ्री, ये भी कितना हो जाएगा मे एम जी। ठीक है, अब ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका इक्वेशन होगा, ये तो पहला का हो गया, दूसरा का इक्वेशन लिख रहा हूं, टी माइनस ये दोनों, टी माइनस टी डैश और माइनस म्यू एम जी बराबर एम टू ए, एम वन एम टू सब बराबर है, यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरका का लिख रहे हैं आपको, इसको इधर खींचा जा रहा है, कितना से टी डैश रोक रहा है कौन, ये वाला फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम थ्री ए। अब तीनों को ऐड कर लो, तो जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये टी से टी उड़ जाएगा, टी डैश से टी डैश उड़ जाएगा और तुम्हें क्या दिखेगा, एम वन जी माइनस टू म्यू एम जी बराबर एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए, ए बराबर सारा मासे सेम ही है, एम सबका बराबर ही कर दो, ये क्या आ जाएगा एम जी माइनस टू म्यू एम जी एम प्लस एम प्लस एम दैट इज कितना एम थ्री एम, एम से मुराद हो, देखो आंसर आ गया वन माइनस टू म्यू इंटू जी बाई थ्री। अब अगर किसी को टेंशन निकालने का मन है ना, तो इस ए का वैल्यू सेकेंड में, थर्ड में या वन में, वन में रखो तो क्या आएगा टी आ जाएगा, थर्ड में रखो तो क्या आएगा टी डैश आ जाएगा। तो अगर टेंशन निकालना है तो ये वाला ए का वैल्यू यहाँ पे या यहाँ पे रख देना, टेंशन का वैल्यू भी आ जाएगा अगर टेंशन पूछता है तो। ठीक ना, चलो छाप लो। अब पता है कुछ लोग लखेरा टाइप का होता है, समझे, वो इसी इंतजार में होगा ना कि काहेला माथा पे बोझ दे रहे हैं, या वो टेंशन में निकाल ही दीजिए तो लो निकाल दे रहे हैं। देखो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा एम वन इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, इसको ले जाके इधर घटा देना, तब एम वन इंटू ये जी है, एम वन बेसिकली एम ही था वहां पे लिखा हुआ, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से चिपका देते हैं, ठीक है ना, क्या आ जाएगा वन माइनस टू म्यू इंटू जी बाई थ्री। ठीक है, और ये एम वन एम ही है, सिंप्लीफाई करते हैं एम तो एम है, ये कितना आ जाएगा थ्री जी माइनस यहाँ से जी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस टू म्यू जी बाई थ्री। ठीक है, यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्री जी में से जी जाए तो कितना हो जाएगा टू जी, एम इन टू आ जा रहा है टू जी प्लस टू म्यू जी बाई थ्री, अब इसमें से टू जी कॉमन ले लो आ जाएगा टू एम जी इंटू वन प्लस न्यू बाई थ्री, ये आ गया टी का वैल्यू, पूछा नहीं हम बता दे रहे अपने तरफ से, और टी डैश अगर चाहिए पूछ तो सकता ही है ना आगे चल के, ये एम थ्री भी क्या एम के बराबर ही है ना, इसको लिख सकते हो एम ए प्लस न्यू एम जी। ठीक है, ए तो ए का वैल्यू यहाँ से चिपका दो, ठीक है ना, एम इंटू हो जाएगा जी और फिर वन माइनस टू म्यू बाई थ्री प्लस म्यू एम जी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा एम जी माइनस ये इससे गुना हो जाएगा टू म्यू एम जी प्लस यहाँ से आ जाएगा थ्री म्यू एम जी प्लस थ्री थ्री म्यू एम जी बाई थ्री। ठीक है ना, अब तीन में से एक घटेगा, दो एक्चुअली घटेगा तो वन बचेगा ना, ये आ जाएगा बच्चों
mg प्लस म्यू mg बाय 3। अब इसमें से mg भी कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 प्लस म्यू बाय 3। इस तरीके से मैंने आपके लिए टेंशन भी निकाल दिया, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए छापिए, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कुछ और एडिशनल बातें मेरे मन में आ रही है, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो म्यू जीरो होता, तो म्यू जीरो रहता तो सीधे आंसर कितना आ जाता, जी बाई 3। ऐसे ही पता है खींचने वाला फोर्स क्या होता है, mg, और रोकने वाला कोई नहीं रहता, फ्रिक्शन नहीं रहता तो mg बाई 3m आ जाता, जी बाई 3 म्यू नहीं रहने पे। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, mg में इसको घटाए हो ना, इसका मतलब साफ है कि mg जो है वो 2 म्यू mg से ग्रेटर रहा होगा, तभी ना इतना प्रोसेस।